तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो कार चार्जर का एडेप्टर के बारे में है। मतलब अगर एक कार चार्जर आप लोग खरीदते हो तो उसको चलाने के लिए आपको ये ज़रूरत होता है। तो इसका नाम बेसिकली है कार सिगरेट लाइटर, जो कि 12 वोल्ट में आता है। ठीक है, इसको मैं अमेजन से ख़रीदा। करीबन मैंने बहुत जगह देखा आदर्श मार्केट में, मतलब कि लोकल मार्केट में, उधर दाम बहुत ही ज़्यादा था। कहीं पर 150 चाह रहा था, कहीं पर 200 चाह रहा था, लेकिन अमेजन में बहुत अच्छा डील में मिल गया मेरे को। करीबन 105 रुपये में ये आपको मिल जाएगा अमेजोन से। मैं जब खरीदा तब क्या 99 या 100 रुपये था। ठीक है, अभी 105 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, पूरा मेटल का बना हुआ है। और ये जो आप लोग देख सकते हो इसका कनेक्टर है जो कि पावर सोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये कार चार्जर खरीदते हो तो अगर इसको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। और भी तरीके से आप लोग चला सकते हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है, प्लग एंड प्ले है, आपको कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या करना पड़ता है, इसको बेसिकली दोस्तों आप लोगों को खोलना पड़ता है जो नॉब रहता है काला वाला पीछे से, उसको आप खोलते हो और सिंपली जो उसका अंदर आपको जो कार चार्जर रहता है उसको अंदर सिंपली आप घुसा दोगे तो उधर से उसको पावर मिल जाएगा, आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। ये बेसिकली यूज़ होता था दोस्तों, इसका जो मेटल रहता है ऊपर आप लोग इधर देख सकते हो, तो ये बेसिकली हीट होता था, उससे आप सिगरेट जला सकते थे। ठीक है, लेकिन ये बहुत बहुत तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि एक तरीका हो गया कार चार्जर। तो इसके अंदर आप लोग अगर कार चार्जर घुसा होगा तो ये चार्ज करने लग जाएगा आपको फ़ोन को। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ये जो एडाप्टर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम प्लग एंड प्ले है, इसका पूरा मेटल का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा रिव्यू है इसका, मैंने अमेजन से देख के लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे इसको इसके अंदर जो कार चार्जर आप लोग खरीदेंगे बाहर से उसको कैसे इसके अंदर लगाते हो, वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये यूज़ होता था ज़्यादातर सिगरेट जलाने में यूज़ होता था, लेकिन इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा है बोट का जो कार चार्जर है, क्वालकॉम 3.0 सपोर्ट करता है, इसको मैंने इसके अंदर कैसे इसको लगाना पड़ेगा ये पहले देख लीजिए। सिंपली क्या कीजिए आप लोग, इसको इसका जो पोर्ट रहता है उसको देख के इसके अंदर सिंपली घुसा दीजिए, इतना ही काम है। और पीछे से आपका जो पावर सोर्स हो तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो इधर से इसका 12 वोल्ट का जो पावर मिल रहा होगा आपका कार चार्जर को, और ऊपर से आपका डेटा केबल है, मतलब कि चार्जर केबल से आपका फ़ोन को चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम टेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट है, रिव्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बोला था जो सिगरेट लाइटर होता है कार चार्जर को यूज़ करने के लिए, मतलब कि इसको चालू करने के लिए, तो उसका वीडियो मैं लाऊंगा। तो ये इसका वीडियो रहा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, और कैसे इसको घुसाते हैं, क्या एक्चुअली कार सिगरेट लाइटर क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इसको, इसका जो फंडा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो और इसका जो गाड़ी में फिटिंग करने का और एक वीडियो मैं लाऊंगा, गाड़ी में कैसे फिटिंग करके कैसे हम मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है वो भी आपको पूरा एकदम वीडियो करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज दोस्तों अगर इस ये सब वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, गाड़ी का वीडियो और टूरिंग का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑटोमोबाइल रिलेटेड, तो इस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। डे टू डे मतलब कि आप लोग अपडेट मिलता रहेगा जैसे ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट का, और टूरिंग वीडियो भी मैंने लाता हूँ जैसे कि बोला। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।